द फिल्म वी बीन शूटिंग, अभी हम लुधियाना से वापस आए हैं, वहाँ पे हम शूट कर रहे थे एक फिल्म जिसका टेंटेटिव टाइटल है October 31st, 1984 में जो राइट्स हुए थे इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद, वो बैकड्रॉप है इस फिल्म का। लेकिन कहानी एक छोटी सी कहानी है, एक सिख फैमिली की कहानी है जहाँ पे मेरा रोल है सरदारनी का, और क्या बीतती है इस फैमिली पर, वो अपने आप को बचा पाते हैं या नहीं। एक अगर ये फिल्म एक सोशल थ्रिलर है तो वो एक पॉलिटिकल थ्रिलर है। तो कितना चैलेंजिंग है, मतलब 84 के दंगों की जब हम बात करते हैं अभी तक उसका जिक्र होता है, उस मसले को लेकर अभी भी बहस छिड़ी रहती है, कितना चैलेंजिंग रोल होगा आपका, आपने बताया क्योंकि सिखों पे पूरा का पूरा। जी हाँ, चैलेंजिंग है क्योंकि एक रियल लाइफ कैरेक्टर है, एक्चुअली हमारे प्रोड्यूसर की असली उनकी कहानी है, तो वो एक रियल लाइफ कहानी करना और रियल लाइफ कैरेक्टर बनना काफ़ी चैलेंजिंग होता है, और फिर एक सरदारनी बनना जो मैंने कभी किया नहीं है पहले, एक थोड़ा सा पंजाबी सीखना और बोलना, तो वो थोड़ा सा उस पर थोड़ा काम करना था मुझे। जो कैरेक्टर है तेजिंदर का October 31st में, वो बहुत अलग है, तो उस पर थोड़ा काम करना था, वही इंटरेस्टिंग होता है। मैं आपसे फिर शायद फिर रिपीट कर रहा हूँ अपना सवाल, आप कहीं इस खोज में रहती हैं कि एकदम मुख्तलिफ किरदार निभाने को मिले, चाहे चार फुटिया हो चाहे 84 हो, जैसे आपने कहा कि आपको कमर्शियली कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है कि पैसा मिले ना मिले, अच्छा होगा अगर पैसे मिले, ऐसा नहीं है कि नफरत है मुझे पैसों से, दरकिनार रखती है लेकिन किरदार पर ज़्यादा तवज्जो देती हैं, तो 84 भी एक। जी हाँ, मुझे पता नहीं कहानी ऐसे ही स्क्रिप्ट आते हैं, सबसे पहले जो स्क्रिप्ट आते हैं उनमें से ही मैं चुन सकती हूँ, और मुझे लगता है कि लोग शायद समझते हैं कि मुझे ये मुख्तलिफ कैरेक्टर्स या फिल्म्स करने का शौक है, इसीलिए आते हैं मेरी तरफ, मैं बहुत खुश हूँ कि आते हैं, और उनमें से मैं चुनती हूँ, और मैं सिर्फ चुनती हूँ कि अच्छा ये डायरेक्टर मुझे सेंसिबल लगते हैं या नहीं, रोल अच्छा है या नहीं, फिल्म अच्छी बनेगी या नहीं, या कैरेक्टर्स अच्छा है, वो ऐसे ही जो नॉर्मल जैसे एक्टर्स चुनते हैं वैसे ही है, कोई स्ट्रैटेजी बिल्कुल नहीं है। बस अक्टूबर की, अक्टूबर जो फिल्म आप कर रहे हैं इसमें एक सरदार, सरदार की फैमिली से बिलोंग करते नजर आ रहे हैं, लहजे को लेकर काफ़ी दखल होगा, क्या करीना से कोई टिप्पणी है क्योंकि शी हरसेल्फ बिलोंग्स टू अ पंजाबी फैमिली? एक्चुअली हाँ, आपने याद दिलाया है, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारे एक एक्चुअली डायलॉग कोच थे सेट पे, तो विजेता उनका नाम था, तो उन्होंने मुझे सिखाया, लेकिन मैंने डिस्कस तो किया था करीना के साथ, वो तो मुझसे पूछ रही थी पंजाब में खाना तो बहुत अच्छा मिला होगा, तो उनको खाने में बहुत इंटरेस्ट है, और वो हमेशा मुझसे कहती है आपको और खाना चाहिए, इंटरेस्टिंग खाना खाना चाहिए, पंजाबी खाना खाना चाहिए, नॉट अबाउट लैंग्वेज सो मच।